स्कूलों को लेकर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। तस्वीर क्या सच में स्कूलों की बदल गई है, ये जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है कालका जी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आप ये तस्वीर देखिए, देखने में आपको ये बिल्डिंग किसी बड़े प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग लगेगी। सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं, ये दिल्ली में मुमकिन हुआ है और हम ये तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली की शिक्षा जो नीति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, क्या जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खुद हमको देंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। स्कूल में हम आगे हम देख रहे हैं कि स्मार्ट क्लासरूम तो बन गए, लेकिन तमाम सवाल आप पर उठ रहे हैं कि नए स्कूल नहीं बना पाए आप। मेरे ऊपर उठ रहे हर सवाल का जवाब मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल हैं, स्कूल भी बने हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, शानदार बच्चे पढ़ रहे हैं। बाहर जिसको जो पॉलिटिक्स करनी करता रहे, मुझे गर्व है कि हमारे बच्चे शानदार पढ़ रहे हैं। मैं खुश हूँ, टीचर्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में खुश हैं, और क्या चाहिए। इतने शानदार कमरे बनाए, इतने शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे? जैपनीज पढ़ रहे हैं लोग। अब सरकारी स्कूलों में जैपनीज पढ़ाई जा रही है, बाजू के स्कूल में और कोई लैंग्वेज चल रही है, कौन सी है उधर, फ्रेंच, वहां पे बाजू के कमरे में फ्रेंच चल रही है। तो जैपनीज और फ्रेंच अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि गरीब आदमी, सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों के लिए इतनी शानदार एजुकेशन क्यों उपलब्ध हो गई। अगर आप लोग पुराना माने, पूछ लूं आपसे कुछ, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ है और फादर इंजीनियर है। आपके? मेरे मदर और फादर दोनों टीचर्स हैं। टीचर्स हैं। आपके? सर पापा बिजनेस है, मम्मी हाउसवाइफ। आपके? पापा बिजनेस है, मम्मी हाउसवाइफ। सामान्य मिडिल क्लास के बच्चे हैं सारे, लोअर मिडिल क्लास के आते होंगे। झुग्गियों में भी रहता है कोई? अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? काम करती है और मेरे पिता कंपनी में काम करते हैं। एक मेड का बच्चा है, कितना प्राउड महसूस करती होंगी इनकी मम्मी कि मेरा बच्चा जापनीज सीख रहा है सरकारी स्कूल में। ये प्रॉब्लम हो रही है इनको, ये बोलते हैं जापनीज तो बड़े बड़े प्रिविलेज क्लास के बच्चों को सीखनी चाहिए, गरीब परिवार के, सामान्य परिवारों के बच्चों को ये सब सुविधाएं क्यों उपलब्ध हो रही हैं, ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लासरूम बच्चों से खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगा कि 14 से 17 के बीच एनरोलमेंट घटा है, 17 के बाद काफी बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है स्कूलों में। ये तो हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। दिल्ली के स्कूलों में 14 लाख बच्चे पढ़ते थे पहले जब हम आए थे, आज 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इसमें से आई एम श्योर प्राइवेट स्कूलों से कोई आया बच्चा? ये देखो इतने सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के आए हैं। तो ये दिल्ली में कमाल हो रहा है और हमें गर्व है कि हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है कि प्राइवेट से रुख बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नए क्लासरूम बने, कई बार तो ऐसी रिपोर्ट भी आई कि ज्यादा बन गए, शौचालय ज्यादा बन गए, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ये तो करते रहते हैं, अब ये शौचालय भी बनेंगे, कमरे भी बनेंगे, इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब मतलब आप इस स्कूल को दिखाओ, मुझे गर्व है इस स्कूल पर कि ऐसे स्कूल बनाए आम आदमी पार्टी सरकार ने। इनको प्रॉब्लम है कि इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल क्यों बना दिए, बोले कमरे ज्यादा बना दिए, कभी कहते हैं टॉयलेट्स ज्यादा बना दिए। यार इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे, अभी आप लड़की से मिल रहे थे, टीचर थी, इनको हम 7-7, 8-8, 10-10 घंटे स्कूल में रखेंगे तो इनके लिए टॉयलेट्स ना बनवाएं? कह रहे कम टॉयलेट बनवाने चाहिए थे, अच्छे बनवाएंगे और बनवाएंगे, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, हम तो ऐसे स्कूल चलाएंगे। मनीष जी एक सवाल ये भी है, क्योंकि एक श्रेय आपको जाता है कि आपने शिक्षा मॉडल को बदल दिया, शिक्षा नीति के जरिए बदल दिया। आपको मन में कभी ऐसा आता है कि आपका नीति आपके पास नहीं आई होती तो जो आपकी अच्छी छवि बनी थी उसको नुकसान नहीं होता? नहीं नहीं, मेरी छवि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मुझे तो गर्व है, अभी मैं इन बच्चों के बीच आया, सारे कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा काम किया। अब देखो ये इतनी बढ़िया वो लगी है, जाली लगी है, इतने बढ़िया स्कूल लगे हैं, ये सारा लगाया गया, पत्थर लगाए गए हैं, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं लैब दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, उधर ही चलते हैं। इतनी शानदार लैब आपको प्राइवेट स्कूलों में भी कम मिलेगी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं मिलेगी, यहाँ पे है। अब मुझे तो गर्व है। अब देखो स्टाफ का वॉशरूम कितना शानदार वॉशरूम है, लेडीज स्टाफ के लिए, जेंट्स स्टाफ के लिए, ठीक है ये सब है। अब लैब देखो, तो अब ये लैब में पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देखिए बकायदा बच्चे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सर हमें अब आविष्कार अभियान के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एग इनक्यूबेटर। तो हमने एग इनक्यूबेटर बनाया, अगर हम हिंदी में बताएं तो लाइक ये जैसे जब मुर्गी अंडे को हैच करती है तो सेम कंडीशन से हम आर्टिफिशियली इस मुर्गी को अंडे को हैच करवाएंगे। अब कौन सी क्लास में है और इससे पहले किस स्कूल में थे? सर मैं 10th क्लास में हूँ, इससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में था, फादर एग्नल स्कूल।
तो क्या अनुभव आपके आपका है प्राइवेट में और सरकारी स्कूल के भीतर? सर, पहले मेरे पैसे ज्यादा खर्च होते थे, अब नहीं होते। पैसे बचा रहे हैं आप? पैसे बचा रहे हैं लोगों के, जनता खुश है, बीजेपी दुखी है कि जी इतने सारे स्कूल क्यों बनवा दिए, इतने शानदार स्कूल क्यों बनवा दिए, इतने ज्यादा कमरे। अब आप देखो यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया डेस्क मिले हैं सबको, ये सारा बढ़िया क्लासरूम मिला है, ये कह रहे हैं ये क्यों खर्च कर दिया पैसा, इन पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, ये तो अगर इनको पैसा खर्च करना है तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते, बिना पैसे के स्कूल में पढ़ाओ इनको, ये प्रॉब्लम हो रही है इनको। एक आखिरी सवाल मनीष जी मैं ले लेता हूँ कि क्योंकि उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और क्योंकि वो भी स्कूलों को लेकर सवाल खड़े करते रहे और वे कह रहे हैं कि हमने इतनी खामियां गिना दी हैं कि सरकार तिलमिला गई है और अब उन पर पर्सनल अटैक करने लगी है। अब ये बताओ ये खराब है क्या, इसमें इस स्कूल बनवा के मैंने क्या गलत किया? अब उपराज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री जी तक 24 घंटे ये सोचते रहते हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई कैसे कराई जाए। यार तुमको उपराज्यपाल बनाया है, आपको प्रधानमंत्री बनाया है, थोड़ा देश के लिए सोच लो। 7 साल हो गए 8 साल हो गए प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए, एक यूनिवर्सिटी को तो देश की नंबर वन यूनिवर्सिटी बना देते, आपने अपने दोस्त को देश का नंबर वन अमीर बना दिया और दुनिया का नंबर तीन अमीर बना दिया। आप एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल को तो देश का नंबर वन बना देते, मैं गर्व के साथ कहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के 700 स्कूल, शानदार स्कूल की बिल्डिंग्स खड़ी हैं, कहीं भी जाके देख लो। क्योंकि आपने सीबीआई का जिक्र किया, मन में कुछ डर है क्योंकि रेड आपके घर पे हुई, लॉकर आपके खंगाले गए, कोई डर है? डर उनको होता है जिनको जिन्होंने चोरी की होती है। मेरे घर में आके चले गए, कुछ नहीं मिला, मेरे लॉकर तलाश लिए, कुछ नहीं मिला। अब जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भी मनीष सिसोदिया जितनी हिम्मत दिखाएं और कहें कि मेरे यहाँ भी जांच कर लो, कुछ नहीं होता। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि स्कूल शानदार बना दिए हैं, 700 से ज्यादा स्कूलों का एक तरीके से सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, लेकिन जो सीबीआई की आंच उनके ऊपर आई है उसको लेकर उनका कहना है कि डर उनके मन में नहीं है, लेकिन जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं वे लोग भी अपने मामलों की जांच कराएं। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।